Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm gonna talk about Cypress folder structure. Okay, so how you can create the Cypress folder. So आपको अगर Cypress test automation tool से काम करना है तो इसके लिए आपको folder structure पता होना बहुत ज़रूरी होता है. तो आप इसको कैसे करोगे उसके बारे में बात करेंगे. तो पहले एज लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आप साइप्रस को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में, वो आप देख लेना एक बार, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. सो अभी बात कर लेते हैं कि साइप्रस को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फोल्डर अच्छे से बना सकते हैं. ठीक है, तो मेरा अभी एक फोल्डर ओपन हुआ है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं. तो मेरा सिस्टम में जो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इधर अपनी सी ड्राइव में बनाया है. सी ड्राइव में यूजर्स वाला फोल्डर है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि यूज़र वाला फोल्डर. और हमेशा आप यूज़र वाला फोल्डर में ही फाइल्स बनाना है. ओके, दूसरा कोई भी फोल्डर को आप टच नहीं करना है. तो आपको यूज़र वाला फोल्डर में ही फोल्डर्स बनाना है. तो यूज़र वाला फोल्डर में जाके आपको एक नया फाइल फोल्डर क्रिएट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए न्यू फोल्डर हेयर, सो यू हैव टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर लाइक दिस. तो ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बनाया हूँ न्यू फोल्डर लाइक दिस. ओके, तो ऐसे आपको एक नया फोल्डर बना लेना है पहले. और ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये आप यूजर्स वाला फोल्डर के अंदर जाके आपका एक ये IMPR है, ये एक फोल्डर है. तो ऐसे मतलब आपका नाम रहेगा यहाँ पे. तो ये उस फोल्डर में स्पेसिफिक जाके आपको बनाना रहेगा. ठीक है, तो बनाने के बाद क्या करोगे? सो फॉर एग्जांपल, आपने बना लिया है, अभी आपको इसको ओपन भी करना है, राइट? तो बहुत सिंपल है एक्चुअली. वो फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले. इन माय केस इट इज दिस वन, सो यू कैन डू शिफ्ट राइट क्लिक हियर. तो ओपन विथ वीएस कोड, और लाइक यू कैन आल्सो डू इट लाइक वीएस कोड, गो टू फाइल, ओपन फोल्डर, देन हियर यू कैन लाइक चेक द ऑटोमेशन रेपो, डिफरेंट फोल्डर्स विल बी देयर. देन इसको आप सिलेक्ट कर लोगे. सिलेक्ट करने के बाद ये फोल्डर आपको इधर ओपन हो जाएगा. तो जैसे आप दिख रहे हो, मेरे देख रहे हो कि मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, राइट? जैसे कि साइप्रस कॉन्फिग डॉट जेएस कॉन्फिग फाइल है ये, पैकेज जेसन, ये बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, राइट? तो बहुत ही सिंपल है गाइस. तो आपको जस्ट एक फोल्डर बनाना रहेगा यहाँ पे. फोल्डर बनाने के बाद आपको वहाँ पे ओपन करना है ना वीएस कोड में. और कैसे इस साइप्रस को रन करना है? साइप्रस को रन करने के लिए कुछ कमांड्स है एक्चुअली. तो बेसिकली npm साइप्रस ओपन, ये अगर क्लिक करोगे तो साइप्रस का इंस्टेंस लॉन्च होगा. बेसिकली ये कमांड मैंने गलत कर दिया, इसको क्लियर कर दूंगा मैं. npx साइप्रस ओपन, ये होगा आपका, मतलब ये रन करने से आपका साइप्रस लॉन्च होगा. ओके, तो यू कैन सी हियर दैट माय साइप्रस इज गेटिंग लॉन्च्ड हियर. तो यहाँ पे यू विल गेट एंड टू एंड टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, राइट? सो यू हैव टू सिलेक्ट एंड टू एंड टेस्टिंग इफ यू आर ए QA. सो आई विल रन माई केस इन एज एक्चुअली. सो इफ यू क्लिक ऑन ओपन एंड टू एंड टेस्टिंग इन एज, इट विल लॉन्च योर एज ब्राउजर एंड दियर यू कैन लाइक फाइंड योर टेस्ट. ओके, सो दिस वॉज अ बिट
simple information that I wanted to give you, like how you can create the folder and start working on Cypress. And if you want to integrate this with the Git and GitHub, right? So मतलब आप इसको अपना प्रोजेक्ट को रिमोट में स्टोर करके रखना चाहते हो ताकि आप सेव करके रखो और इसको आपका काम कभी लूज ना हो, तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको पहले आपका गिटहब अकाउंट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको गिटहब में अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो गिटहब क्या है और गिट कैसे काम करता है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो github.com, तो ये एक रिमोट सर्वर लोकेशन है कि यहाँ पे आपका लोकली जो काम कर रहे हो आप, तो इसको आप रिमोटली स्टोर करके रख सकते हो रिपोजिटरी बना के। तो ये एक्चुअली मेरा प्रोफाइल है और मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी बना के रखा है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला रेपो, यहाँ पे कई सारे फाइल्स हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स, इसको अगर मैं खोलूँगा तो यहाँ पे बहुत सारा फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखेगा आपको, जैसे कि एंड टू एंड PSA एरेस। तो ये वाला जो फाइल है ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है और सेम टू सेम वहाँ पे दिख रहा है, तो लाइक DSA एरेस, राइट? तो एक्चुअली ये क्या हुआ ना, ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होता है गाइस। मतलब बाय चांस अगर आप अपना लैपटॉप खो दोगे, नहीं तो आपका काम यहाँ पे लूज हो जाएगा, इसको फिर से आपको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, राइट? तो अगर आप अपना कोड को गिटहब और गिट में होस्ट करके रखते हो तो आप डायरेक्टली पुल ले सकते हो गिटहब से और आपका लोकल में फिर से काम स्टार्ट कर सकते हो, आपका कुछ भी काम लूज नहीं होगा। ये एडवांटेज होता है गिटहब में। तो बताऊंगा इसको फ्यूचर के वीडियोस में, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा वीडियो। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।